हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू घर की रसोई। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक हम महाराष्ट्रियन रेसिपी कोथम्बीर वड़ी जो हरी धनिया से बनती है, तो उसके लिए हमने कट करके ये अच्छे से कट करके फिर वॉश करके ये हरा धनिया लिया है मैंने। तो अभी आगे के प्रोसेस पे चलते हैं। ये हमने थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना कर रखा, इसको इसमें डाल देंगे और ये अजवाइन को हम क्रश करके डालेंगे और ये थोड़ा थोड़ा बेसन हम इसमें मिक्स करेंगे। पानी हमें इसमें नहीं डालना है, इसीलिए हमने धनिया कट करने के बाद वॉश किया है। इसमें जितना बेसन जाएगा उतना बेसन ही डालना है। इसको हम अच्छे से धीरे धीरे मिला के एक अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। तो अभी इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी साथ में ऐड कर देंगे। और अच्छे से इसका एक सॉफ्ट जो है डो बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा बेसन करके मिलाएंगे, एक साथ बेसन हमें नहीं मिलाना है। तो अभी आप देख सकते हो हमारा डो बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके रोल बना लेंगे। तो अभी हम इनके रोल्स बना लेंगे। तो हमने ये रोल बना लिया है, तो अभी इनको हम स्टीम में पकाएंगे। तो स्टीम के लिए मैंने ये इडली का बर्तन लिया है, ये छन्नी को मैंने उल्टा करके रख दिया है। तो पानी हमारा बॉयल होने लगा है, अब ये सारे रोल्स हम इसके अंदर रख देंगे और इनको ना 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे ढककर। बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनकर रेडी होता है, तो आप भी एक बार ट्राई जरूर करें। तो अभी हम इनको ढक देंगे, 10 मिनट तक इसको ऐसे ही स्लो फ्लेम में पकने देंगे। तो अभी 10 मिनट के बाद देखिए ये अच्छे से पक चुके हैं, इन्हें हमने निकाल लिया है। तब इनको सावधानी से ऐसे छोटे छोटे पीसेस कट कर लेंगे, फिर इनको डीप फ्राई करेंगे। तो तेल मैंने चढ़ा दिया, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इन्हें एक एक करके सारे डाल देंगे जितना आता है तेल में। और स्लो फ्लेम पे इनको पकाएंगे। तो अभी एक साइड सीख चुका है, अब इसको हम पलट देंगे। सावधानी से पलटेंगे। काटने के टाइम जब रोल्स को हम काटते हैं तो बहुत ही सावधानी से काटना है, नहीं तो ये अलग हो जाता है। इनको स्लो फ्लेम पे ही पकाना, नहीं तो अंदर का अच्छे से पकेगा नहीं। तो अभी देख सकते हो कलर भी चेंज हो गया है स्लो फ्लेम पे और अच्छे से ये पक चुका है। तो इनको हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो हमारी वड़ी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। ये चाय या चटनी के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।